गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाने से पहले जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। कैंट थाना क्षेत्र के सिंघड़िया में चली गोली, चार घायल, तीन आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे, असला भी बरामद। आयुक्त सभागार में अपर मुख्य सचिव ने किया विकास कार्यों की समीक्षा, कहा तहसील समाधान दिवस, राजस्व सहित आए अन्य मामलों के शिकायतों का 31 मार्च तक करें निस्तारण। उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यकाल के एक वर्ष पूरे होने पर उनके विकास कार्यों को एलईडी वैन के माध्यम से रखा गया जनता के बीच। जिले में पहली बार शराब की दुकानों का हुआ ई लॉटरी से आवंटन, अपर मुख्य सचिव रहे मौजूद। नवागत एसएसपी शलम माथुर ने किया कार्यभार ग्रहण, कहा लॉ एंड ऑर्डर पहली रहेगी प्राथमिकता। समय से मजदूरी न मिलने को लेकर गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के तहत ठेकेदार पर कार्य करने वाले मजदूरों ने किया विरोध प्रदर्शन। मानदेय बढ़ाए जाने और पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किए जाने की मांग को लेकर यूपी बोर्ड उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य का बहिष्कार करने वाले शिक्षकों ने सोमवार को किया भिक्षाटन। उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यकाल के एक वर्ष पूरे होने पर भाजपाइयों ने बैठक कर वर्ष 2019 में जीत की बनाई रणनीति। पारिश्रमिक बढ़ाए जाने की मांग को लेकर गोरखपुर विश्वविद्यालय के शोधार्थी छात्र छात्राओं ने किया विरोध प्रदर्शन। जिला स्तरीय तहसील समाधान दिवस 20 को सहजनवा में सभी जिला स्तरीय अधिकारी रहेंगे मौजूद। 8 अप्रैल से होगा स्वर्ण समाज सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन। सम्मेलन में समाज के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्थिति पे होगा मंथन। उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय द्वारा राज्य आमंत्रण महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता का अंतर्राष्ट्रीय पहलवान दिनेश सिंह और अरुणेश शाही ने किया शुभारंभ। और गोरखपुर क्रिकेट लीग में डोना क्रिकेट एकेडमी ने नासा के केएस टैलेंट को 11 रनों से हराया। अब खबरें विस्तार से। कैंट थाना क्षेत्र के सिंघड़िया टुकड़ा नंबर 2 में जमीनी विवाद को लेकर मनबड़ों ने गोली चला दी, जिसमें करीब 4 लोग घायल हो गए, जिनको आनन फानन में स्थानीय लोगों ने जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर घायलों का प्राथमिक उपचार करने के बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया, जहां पे इन सभी का इलाज चल रहा है। दिन दहाड़े चली गोली की सूचना पाकर हरकत में आई पुलिस ने 3 अपराधियों को हिरासत में लेते हुए असलाह भी बरामद किया। और गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने बताया कि तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और लाइसेंसी असलाह भी बरामद कर लिया गया है। इस संदर्भ में घटना की पूरी जानकारी देते हुए एसपी सिटी ने बताया। हेलो, अरे एक और पेशेंट है ना, गाड़ी तो वाला सुरेंद्र है ना, बोले के निकलो तो और पकड़ ए पकड़ो पकड़ो आगे पकड़ो यार, एक एक को भी बार आज कैंट थाना क्षेत्र के इंजीनियरिंग कॉलेज चौकी क्षेत्र में दबंगों ने एक पक्ष पे जमीन के विवाद को लेकर गोली चलाई, उसमें 3-4 लोग चटाई लोग गोली चलने की घटना, और मौके पे 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके कब्जे से 2 लाइसेंसी, 12 बोर की बंदूकों को बरामद कर लिया गया। कुछ क्या मामला आज सामने आया? एक ज़मीन का विवाद था जिसपे दोनों पक्ष अपना अपना दावा कर रहा था, और एक पक्ष लेखपाल की रिपोर्ट लेके आया था कि जिसपे निर्माण कार्य कराया जा रहा है वो ज़मीन उन्हीं की है, दूसरे पक्ष ने जाके बाउंड्री वाल को दोष कर दिया।
और फिर निर्माण कराने वाले पक्ष ने लाइसेंसी बंदूक से फायर किया उन लोगों के ऊपर, जिसपे कुछ लोग असलाह भी बरामद हुआ है। हाँ, दो लाइसेंसी असलाह बरामद कर लिए गए। जनपद के विकास कार्यों की समीक्षा सोमवार को आयुक्त सभागार में नोडल अधिकारी और अपर मुख्य सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें प्रभारी जिलाधिकारी व सीडीओ अनुज सिंह, एसपी साउथ ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी, मुख्य राजस्व अधिकारी बलराम सिंह, एडीएम प्रशासन प्रभुनाथ सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए अपर मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्व, तहसील दिवस सहित अन्य विभागों से आए शिकायतों को 31 मार्च तक निस्तारण कर दें। उन्होंने कहा कि शौचालय निर्माण, सफाई व्यवस्था सहित शासन की विकास परक योजनाओं को सुचारू रूप से संचालित करें, जिससे शासन की मंशा के अनुरूप कार्य हो सके। टोटल कितनी कंप्लेंट्स हैं जो है, कितनी बैठक जा रही है? हमें अपेक्षा की हर लेखपाल ये बताएगा कि हमारे कितने केसेस ऐसे हैं जिस पर पुलिस की आवश्यकता है। ऐसे हिसाब से कहा था ग्रीन कॉस को बताएगा कि हमारे कितने केसेस पब्लिक से तस्वीर के व्यवस्था करवा लीजिए और पब्लिक प्रधानमंत्री वो तो सर्वे अपने के उसको कितने केस निकल गया है। एक आपने तभी जीव जारी हुआ था, इतने शॉर्ट मॉडल का आपने एक टीम जारी का प्रोग्राम दिखाया था, मेरे आपको बैठने बताया था आपके क्या पब्लिक से आप कैसे कितने रिपोर्ट किए थे प्रधान के पास सूचित कर दें। आप जमीन में मुझे सुनिए देखभाल की आवश्यकता है, उसके बारे में कुछ कहते बताती और प्लस तहसील में तो कितने रिपोर्ट केसेज सलोन नहीं बता है उसकी पूरी सूची बना लेंगे, सूची बना के गाँव का टीम का प्रोग्राम बनाएंगे। एक बजे दो बजे अगर सूची नहीं बनी तो शिकायतें दरखास्त खत्म नहीं हो सकती। आप प्रत्येक एस डी एम के माध्यम से तहसील माध्यम से देखभाल करें, जानकारी प्राप्त करके 7 दिन के अंदर 7 दिन की आपके तारीख 31 मार्च तक आ गई संभव दादी रेट में चेंज कर दो। 31 मार्च तक उनके क्षेत्र में कौन कौन से स्कूल से गांव के जो लोग रास्ता बनाती हैं, चाहे चटरोड का हो, चाहे रास्ते का हो, चाहे नाली का हो या मार्ग का हो, उसके लोग से कहते रहते हो आवश्यकता है नहीं है, लेखा खुद ही कर लेगा जिसमें उनके हिसाब से रास्ता का शिकायत आती है। ऐसे ही हरदा के माध्यम से अपने ग्रीन कॉन्सल के माध्यम से करते थे पहले जानकारी हमारे कितने कितने केस कितने होने चाहिए, IGRS के कितने लैंड डिस्प्यूट केस का आप निकाल लीजिए, तहसील लेवल के सारे केसेस आप करवा लीजिए, थाने लेवल के सारे केसेस करवा लीजिए, ठीक है। और ये डिस्प्यूट है किसी डिस्प्यूट है जिस पर पुलिस देखभाल की आवश्यकता है तो काम पर प्रार्थना बदल देंगे, जनसुविधा केंद्र दे सकते हैं, उसको ई मेल कर दें आपको उसको पैसा दे दें उसका आपको फंड होता होगी इस तरह का उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यकाल के एक वर्ष पूरे होने पर उनके द्वारा वर्ष भर में किए गए विकास कार्यों को सोमवार को LED वैन के माध्यम से लोगों के बीच रखा गया। सोमवार को अंबेडकर चौराहा, गोलघर, काली मंदिर और धर्मशाला बाजार सहित कई अन्य प्रमुख चौराहों पर LED लगाई गई, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश में अब तक किए गए विकास कार्यों को जनता के बीच रखा गया, जिसे देखने के लिए LED वैन के पास लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी।
एलईडी वैन का संचालन कर रहे भाजपा के नेता आदित्य गुप्ता ने गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बताया, सरकार के इस कदम से लोगों के मन में उत्साह की ऐसी लहर उठी कि उनके मन से खुशी के स्वर जो पड़े। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 86 लाख 1 लाख रुपए तक की फसली ऋण को माफ किया। अब भूल जाओ बस लिखाओ मोचन से उत्तर प्रदेश सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल को पूरा होने के उपलक्ष्य में प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में समाज में हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिससे समाज को अपने अंदर अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा हो और वो विभिन्न लाभों का लाभ ले सके। जयपुर के माध्यम से क्या आप दिखा रहे हैं यहाँ पे? देखिए आज लखनऊ में पूज्य महाराज जी अपने शासन के एक वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों की चर्चा कर रहे हैं। इस प्रोजेक्टर के माध्यम से हम महानगर की जनता को सीधे महाराज जी से रूबरू करा रहे हैं और जनता के हितों के लिए महाराज जी ने जो कार्य विगत एक वर्षों में किए हैं उन्हें हम जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं इस प्रोजेक्टर के माध्यम से। जिले के देसी विदेशी मदिरा मॉडल शॉप और बियर की दुकानों का आवंटन सोमवार को मदन मोहन प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सभागार में ई लॉटरी के माध्यम से किया गया, जिसमें जिले के नोडल अधिकारी और अपर मुख्य सचिव संजय अग्रवाल, प्रभारी जिलाधिकारी और सीडीओ अनुज कुमार सिंह, एडीएम सिटी रजनीश चंद्र, जिला आबकारी अधिकारी विजय प्रताप सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे और आवंटी भी इसमें मौजूद रहे। जिले में पहली बार निकाले गए ई लॉटरी से देशी शराब की 247, विदेशी मदिरा की 114, बियर शॉप की 104 और 12 मॉडल शॉप का अलॉटमेंट किया गया है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आबकारी अधिकारी विजय प्रताप सिंह ने बताया, अरे बाप
टाइप दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, कंट्री लीकर, मॉडल शॉप, फॉरेन लीकर और रियल शॉप। अर्नेस्ट मनी है वो सबसे ऊपर स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। इसी प्रकार से ये पूरे इसी क्रम इसमें से हम लोग कोई भी किसी भी दुकान को सेलेक्ट करके जिसमें उसके देखिए जैसे कोई भी दुकान का नाम है बेलवा खुर्द लिखा हुआ है, इसमें अर्नेस्ट मनी का अमाउंट दिया हुआ है और इसी के साथ में टोटल एप्लीकेंट्स की संख्या दी हुई है। तो इस दुकान को जब हम सिमुलेशन करेंगे तो इसमें हमारे पास चार आवेदक हैं और इन चार आवेदक की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 25% सबके लिए हो जाएगी क्योंकि ये सिर्फ चार ही आवेदक हैं। इसी प्रकार से अगर हम किसी ये घोष कंपनी चौराहा की शॉप का अगर हम लोग करते हैं तो इसमें हमारे पास एप्लीकेंट्स 14 दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इसकी सिमुलेशन प्रक्रिया को हम लोग करते हैं तो फिर इसमें हमारा वही 14 एप्लीकेंट्स की जो संभावना है चयनित होने की वो उसी प्रकार से उसमें डिस्प्ले में आ जाएगा। थ्योरी है इसका, इसमें ये मानना है कि जो एक्सपर्ट्स के द्वारा माना गया है कि अगर हम किसी भी चीज़ को 10,000 बार करते हैं तो उसकी संभावना सबकी बराबर हो जाती है, ऑलमोस्ट वो बराबर होती है। सर सीट संख्या भरनी है सर, कोई भी तीन आवेदक खड़े होके सीट संख्या की फिगर दे सकते हैं। तीन अंक कोई भी अलग, तीन आवेदक अलग अलग एक एक संख्या दे सकते हैं। एक एक करके बताने दीजिए, पहली संख्या क्या थी? एक। पहली संख्या 8, दूसरा कोई भी बताए? 9। और तीसरी संख्या कोई भी खड़ा होके बता दे? 8, 9, 2। सेकंड पे वो ट्राई करेगा और जितने भी जो संभावनाएं होंगी वो उसमें आपको प्रदर्शित की जाएगी। सर ये स्टार्ट कर रही हूँ मैं। ये देखिए ये स्क्रीन पर आपको दिख गया है जितने भी 33 आवेदक हैं इन सब की ये देखिए इस तरह से चयनित होने की संभावना जो सबसे लास्ट कॉलम दिखा रहा है उसमें 0.03 उसकी संभावना सबकी ऑलमोस्ट 0.03 है। ये एक्चुअली कई डेसिमल प्लेसेस तक होता है जो संभावना होती है, यहाँ पर हम लोग 0.0 मतलब 2 डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक का ये संभावना को प्रदर्शित किया जा रहा है। ठीक है, ये 10,000 बार किया गया है ट्राई, तो ये हमारा इसका सिमुलेशन कंप्लीट हो गया है। ये 33 हमारे आवेदक थे और इनका हर एक की संभावना 0.003% है। अर्नेस्ट मनी है वो सबसे ऊपर दिखा रहा है उस शॉप का नाम। इसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स हमारे फुटावन एनआर में हैं, 69 एप्लीकेशंस हैं इसमें एप्लीकेंट। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, किसी के चुने जाने की ज़्यादा संभावना कम संभावना वैसी कोई बात नहीं है, इसमें सभी के चुने जाने की संभावना बिल्कुल बराबर थी। जैसा आपको दिख रहा था कि जब वो 0.1 लिख के आ रहा था तो सबका सेम ही था, जब 0.2 लिख के आ रहा था तो सबका 0.2 आ रहा था, तो वो संभावना जो चुने जाने की किसी व्यक्ति की है वो बिल्कुल सेम है। और चारों प्रकार के दुकानों की सिमुलेशन या एक तरह से कहें तो डेमो आपको एक एक बार दिखाया जा चुका है और अब फाइनल रैंडमाइजेशन जो अंतिम सूची है वो अब निकलने की कार्रवाई अब आपको दिखाई जाएगी। इस समय जो आप शॉप्स जो हम लोगों ने अभी आपको सिमुलेशन प्रोसेस में भी बताया था कि 247 हैं एलिजिबल एप्लीकेशंस की संख्या दिखा रहा है, यहाँ से हम लोग एप्लीकेशंस देख सकते हैं और यहाँ से हम लोग ओपन कर दे रही हूँ मैं। ये शॉप्स की लिस्ट आ गई है, मतलब मोटे तौर पे जो पहली बार चाहिए बट एक लॉटरी बराबर नहीं आई है, एक लॉटरी एक क्या नहीं आएगा 10,000 में उतना चयन नहीं होता है, अब असली लॉटरी हो रही है, असली लॉटरी। अब हम लोग एक्चुअल लॉटरी सर जैसा एक ही है। ठीक है, फाइनल रैंडमाइजेशन है
इसके बाद इसकी मतलब एक बार होने के बाद में उसको दोबारा से नहीं किया जाएगा। तो शुड आई स्टार्ट सर, स्टार्ट करें? ये प्रोसेस चल रहा है, आप लोग को जैसे दिखाई दे रहा है, ये देखिए रैंडमाइजेशन हो गया है और ये यहाँ पर रिजल्ट भी शो कर रहा है। ये देखिए ये दुकान का नाम, पहला दुकान का नाम, उसकी धरोहर धनराशि, कुल आवेदक कितने थे, आवेदन संख्या, आवंटी का नाम और पंजीकरण संख्या। ये इसमें कंट्री लिकर की शॉप्स के लिए जो सफल आवंटी है उनकी सूची ये यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इमली है ना, हाँ। और जो आवंटी का नाम है बुधई प्रसाद गुप्ता, सेकंड शॉप का नाम है अलहदादपुर और ये जिनको आवंटन हुआ है उदय प्रकाश दुबे, थर्ड शॉप है धर्मशाला, आवंटी का नाम है यशोदा शाही, फरा रोड विजय कुमार सिंह, असुरन अरविंद कुमार, हुमायूंपुर उत्तरी विशाल जायसवाल, पिपराइच नंबर एक मरकटिया रोड दुर्गावती देवी, हजारीपुर राजेश जायसवाल, जंगल सीकरी राजेश सिंह, रानी डीहा राकेश शुक्ला, मालन पार रोशन सिंह, नौसर सुंदरी, आजाद चौक उद्धव जी बर्नवाल, चार फाटक उग्रसेन राव, पीपीगंज नंबर एक हनुमंत नगर राधेश्याम जायसवाल, बड़लगंज नंबर दो बाईपास रोड रमाशंकर सिंह, भोपा बाजार आशा यादव, सीकरीगंज प्रदीप कुमार जायसवाल, अंधियारी बाग रामरतन, पुरदेलपुर पूनम जायसवाल, महेवा संतोष पाल, सराय गुलरिया प्रभाकर पांडे, बाजार आशा सिंह, बांसगांव सरोज सरन सिंह, भरगदवा विमला देवी, मुगलहा उमा शंकर मणि त्रिपाठी, गोला नंबर दो बेवरी राम प्रद्युमन पांडे, दाऊदपुर अश्विनी कुमार श्रीवास्तव, दाऊदपुर अश्विनी कुमार श्रीवास्तव, उरुआ बाजार वीरेंद्र बहादुर सिंह, मोहद्दीपुर प्रशांत कुमार सिंह, गिरधरगंज राजेश जायसवाल, जंगल गौरी नंबर वन सुभाष चंद्र शाह, चिल्लूपार पटना तिराहा राकेश शाही, प्राप्ति नगर स्पोर्ट्स कॉलेज रोड मंजू देवी, भटौली प्रेमचंद, झुमिया गेट चंद्र प्रकाश पांडे, लुचुई मोहन लाल, बड़हलगंज गोला चौराहा सूरज शाही, बिछिया रिंकी मल, भटहट दो ऋषि जायसवाल, मिनवा चौराहा सुनीता देवी, हंसुपुर बीना देवी जायसवाल, भटगावा दीनानाथ, सहजनवा बृंद्रावन, बशारतपुर उमा शंकर मणि त्रिपाठी, करीमनगर राकेश शुक्ला, धर्मपुर तिराहा ललित आनंद, मिश्रौली राम नारायण, खजनी संकट हरण, 10 नंबर बोरिंग हेमंत कुमार जायसवाल, बेला वकील सिंह, जंगल राम लखना राकेश नाथ त्रिपाठी, चौमुखा यशोदा जायसवाल, भरतपुर रामायण प्रसाद ओझा, गंगसरा राजनारायण पांडे, स्टेशन रोड कृष्ण गोपाल जायसवाल, पादरी बाजार ब्रजेश कुमार जायसवाल, दोहरिया राणा प्रताप यादव, निकवार शत्रुघ्न राय, रमुआपुर पिपराइच लालू सिंह, ट्रांसपोर्ट नगर मोहित कुमार नथनी,
तकिया पेट्रोल पंप के पास अमरनाथ जायसवाल, पिपरौली सत्येंद्र प्रताप सिंह, बाहीपा विनय कुमार सिंह, मदरिया राम प्रद्युम्न पांडे, बेलवार राम नारायण, सिहोरवा प्रवीण कुमार चतुर्वेदी, केशवपुर राधेश्याम सिंह, ट्रांसपोर्ट नगर नंबर 2 गिरिराज किशोरी शाही, हरपुर बुधहट शत्रुजीत सिंह, शाहपुर सर्किल 7 सिमिता देवी, साउथपुर कुसुम तिवारी, तरकुल्हा देवी मोड़ बेचू लाल, रामपुर डाडी भानु प्रताप मल, भैंसा बाजार प्रभाकर प्रसाद शुक्ला, मोहरीपुर शशिकांत सिंह, भीटी रावत अनिल कुमार राय, पिपराइज नंबर 3 कबाड़ी रोड श्री कनाती, श्री कनाती सिक्टौर ऋतु श्रीवास्तव, जसवल राणा प्रताप यादव, मोतीराम अड्डा सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, पुचवा मोहल्ला नीरा सिंह, नई बाजार रामानंद यादव, अतरौला चौराहा सब्जी मंडी गीता शाही, धसका पावर हाउस से गोला रोड नीरज कुमार, महावीर चौराहा राम आशीष सिंह, फुटहवा यार मीनू, खजांची चौराहा प्रदीप कुमार जायसवाल, झुमिला मंगल सिंह, दुगरा चौराहा सर्किल 7 रामाशंकर मौर्य, कटसहरा सूरज कुमार चौधरी, सिधावल चौराहा मीरा मल, कुरी बाजार लक्ष्मी देवी। लॉटरी पहली बार हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है? ये लॉटरी पहली बार हुई है और बहुत ही कम समय में संपन्न हो गई, नहीं तो इतनी दुकानों की लॉटरी कराने में जो है पूरे 20-20 बड़ी घंटे लगते थे। उस तरीके से कंप्यूटर के कारण ये बहुत ही सरल प्रक्रिया के द्वारा संपन्न हुई। बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर बना था जिससे जो है हर चीज़ जो है बहुत इत्मीनान से हो गई। थोड़ा समय लगा मगर हर चीज़ जो है बहुत इत्मीनान से हो गई। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते। जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। ब्रेक के बाद आपका फिर से इस बुलेटिन में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गोरखपुर के कप्तान के रूप में आईपीएस शलभ माथुर ने सोमवार को एसएसपी आवास पर अपना पदभार ग्रहण कर लिया। इसके पूर्व शलभ माथुर वर्ष 2013 में गोरखपुर के एसएसपी रह चुके हैं। शासन द्वारा एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज के तबादले के बाद 2006 बैच के आईपीएस शलभ माथुर को जनपद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी शलभ माथुर ने कहा कि शासन की योजनाओं के अनुरूप कार्य करते हुए अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाई जाएगी। उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं के बारे में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कहा,
बेसिकली जो भी शासन की प्राथमिकताएं हैं अपराध नियंत्रण को लेके, लॉ एंड ऑर्डर को लेके और जनता के ग्रीवेंसेस जो उनकी शिकायतें हैं उनके निस्तारण, विवेचना, जो हमारा सिपाही है उनका वेलफेयर, पुलिस का दुर्व्यवहार है, इन सभी को हम निरंतर रूप से बेहतर और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। क्राइम कंट्रोल के लिए क्या कुछ प्लान है इसमें? क्राइम कंट्रोल को लेके जो पैटर्न ऑफ क्राइम अलग अलग होता है, चाहे वो ऑर्गेनाइज क्राइम के रूप में हो सकता है, कई बार रंजिशन रूप से हो सकता है, महिलाओं के संबंध में अपराध है, तो हर चीज़ को एनालिसिस करके और उसमें हम लोग और बेहतर कैसे कर सकते हैं, हर चीज़ के लिए एक रणनीति बना के जो है उसको और जैसा मैंने बताया और बेहतर करने का लगातार सतत रूप से प्रयास। सीएम सिटी है सर, तमाम वीआईपीज का आना जाना रहता है, सीएम साहब खुद आते हैं तो लेके काफ़ी वीआईपीज भी आते हैं, और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए कुछ है आपके? जैसा मैंने बताया इस चीज़ को लेके हम लगातार, क्योंकि यहाँ पे विजिट्स होती रही हैं, उसमें काफ़ी स्टडी भी हुई है और काफ़ी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया गया, उसको लगातार उस इनकॉर्पोरेशन को जो किया गया उसको और कैसे बेहतर किया जाए, और मूवमेंट्स की चाहे वीआईपी मूवमेंट्स हों या जनरल जो भी मूवमेंट्स हैं उसमें ट्रैफिक में हम पब्लिक को कैसे मैक्सिमम कन्वीनियंट रूप से रखें कि उनको जो है दिक्कत ना हो, उसका हम लोग प्रयास। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत सेक्टर 5, 22 और 23 में कार्य करने वाले सफाई कर्मी और इलेक्ट्रीशियनों को समय से वेतन ना मिलने से उनमें काफी नाराजगी है। ऐसे में नाराज लगभग 2 दर्जन से ज्यादा मजदूर सोमवार को शास्त्री चौराहे के निकट विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। व्यवस्था से परेशान मजदूरों ने अपने मांगों को लेकर जमकर नारेबाजियां की। मजदूरों का कहना है कि उन्हें समय से वेतन नहीं दिया जाता है, इसके अतिरिक्त उनके वेतन में अनावश्यक रूप से कटौती भी की जाती है। वहीं ठेकेदार मजदूरों के साथ सौतेलेपन का व्यवहार करते हैं। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मजदूर रामानुज ने बताया, क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को? दिक्कत यह है कि हम लोग का जो है इतना शोषण हो रहा है और वेतन है 9,500 लेकिन 6,000 मिला, उसमें भी कटौती हो जा रही है। एक दिन आगे होता तो 4-4, 3-3 अस्टेटन कर देते हैं, 2 महीना 2.5 महीना हो जाता। हम लोग का नियम कभी आता टाइम से पैसा नहीं मिला है, वेतन नहीं मिला। हम लोग भुखमरी कगार पर हैं। मानदेय बढ़ाए जाने और पुरानी पेंशन व्यवस्था सहित अन्य मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ वित्त विहीन गुट और शिक्षक महासंघ के सदस्यों ने यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं की मूल्यांकन कार्य का बहिष्कार किया है। आंदोलन के इसी क्रम में शिक्षकों ने सोमवार को हाथ में कटोरा लेकर सेंट एंड्रयूज इंटर कॉलेज में भिक्षाटन किया। इस दौरान शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजियां भी की। इस अवसर पर संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रभूषण मिश्रा, प्रदेश प्रवक्ता देशबंधु शुक्ला, जिला अध्यक्ष राजा रत्नेश्वर सिंह, राम प्रकाश सिंह सहित कई शिक्षक मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रभूषण मिश्रा ने बताया, आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के मूल्यांकन का तीसरा दिन है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ वित्तविहीन गुट के सभी घटक इस मूल्यांकन का बहिष्कार कर रहे हैं, और 2-3 प्रमुख मांगे हमारी हैं। एक तो सम्मानजनक जीविकोपार्जन भर का मानदेय सरकार इन वित्तविहीन शिक्षकों को दे, नवीन सेवा नियमावली वित्तविहीन शिक्षकों की बनाई जाए, और पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल किया जाए। इन तीन मुद्दों को लेकर के हम वित्तविहीन शिक्षक संघ सभी घटक जितने भी हमारे हैं इस आंदोलन में हैं, मूल्यांकन का बहिष्कार कर रहे हैं, और आज हम भिक्षाटन करके समर्थन की भीख मांग रहे हैं। अगर सरकार ने अगर हमारी मांग पर, हमारे इस आंदोलन पर विचार करके उचित आश्वासन नहीं दिया, कल हम कार्यक्रम का दूसरा हम इन मूल्यांकन करने वाले लोगों के बूट का पॉलिश करेंगे, कल बूट पॉलिश। उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी की बैठक सोमवार को बेनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई।
बैठक की अध्यक्षता क्षेत्रीय संगठन महामंत्री शिव कुमार पाठक ने की। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रीय सचिव विनोद दुबे, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, पूर्व मेयर डॉक्टर सत्या पांडे, राकेश पहलवान, पुष्प दंत जैन, ब्रजेश त्रिपाठी सहित पार्टी के कई पदाधिकारी व सदस्यगण मौजूद रहे। बैठक में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यकाल के वर्ष भर के कार्य की समीक्षा और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने तथा आगामी कार्यक्रमों की तैयारी पर चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर खुशियां भी मनाई। हमारे इतिहास के बहुत ज्यादा यहाँ चर्चा नहीं हुई, लेकिन अनेकों जिलों में 25 तारीख को एकलव्य खेल उत्सव मनाया गया। ये कार्यक्रम हमारे बूथ पर 6 कार्यक्रम हो, मैं तो जो आप लोग विस्तार प्रवासी बनाए गए हैं 6 महीने के लिए, आपको 6 महीने में ये पूरे के पूरे कार्यक्रम कराना है, पूरे कार्यक्रम आपको करना पड़ेगा। हो सकता है दिसंबर और फरवरी दो ऐसे कार्यक्रम रह जाते हैं, 6 महीने आपके पूरे होने को हो जाएंगे और ये दो कार्यक्रम शेष रह जाएंगे, लेकिन इसके बाद भी शेष जो और कार्यक्रम है 4 कार्यक्रम तो आपके 6 महीने के बीच में आ जाएंगे। ये कार्यक्रम हर बूथ पर संपन्न हो, इसकी रचना, इसकी योजना, इसके लिए मॉनिटरिंग करना, ये आपको काम करने की आवश्यकता, एक काम ये है। इसके 20 लोगों की बन गई, लेकिन उस बूथ पर बहुत सीनियर लोग रहते हैं, लेकिन उस बूथ की टीम में वो शामिल नहीं, वो बिल्कुल उनसे अलग है। जब बूथ की टीम की बात आती है तो रहता है कि साहब वो तो हमें बुलाया नहीं जाता, कुछ और भी ज्यादा सीनियर लोग रहते हैं, उनको इसलिए नहीं बुलाते लोग कि कहेंगे लोग बताओ मुझे बूथ की बैठक में बुलाया जा रहा है, तो उनके संतुष्टि के कारण से भी बुलाया जाता है। अनेकों बूथों पर ऐसी मित्र वो कार्यकर्ता बूथ का कोई भी कार्यकर्ता है वो बूथ का कार्यकर्ता है किसी न किसी बूथ पर, और जब शक्ति सदस्य भी बनता है या सामान्य सदस्य भी बनता है तो किसी न किसी अपने बूथ से ही बनता है, बेस उसका है बूथ। इस नाते ऐसे उस बूथ पर कौन कौन से ऐसे सीनियर कार्यकर्ता है जो उस बूथ पर रहते हैं उनकी सूची बनाना, वो बूथ कमेटी में नहीं लेकिन सीनियर कार्यकर्ता उनकी सूची बनाना, समाज के इसके अलावा समाज के प्रतिष्ठित कौन कौन से लोग रहते हैं उनकी सूची बनाना, जिनको की वोटर्स कहते हैं, चुनाव के टाइम से चुनाव के समय सारी चर्चाएं आती है, बातचीत होती है, लेकिन अपने पास रहता कुछ, और पहले से यदि हर बूथ का की वोटर्स कि हमारे पास सूची रहेगी तो उससे आप लोग अपने बूथ जीतने के लिए, अपने सेक्टर को जिताने के लिए अपनी स्ट्रेटजी आप लोग बना सकते। स्थान होते मठ है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, या ऐसे स्थान या हर इतवार को या सप्ताह में एक दिन किसी सत्संग के नाम से इकट्ठे होते हैं, कोई संगठन चलता है, प्रभात फेरी होती है, अथवा कांवड़िया संगठन है जो साल में 2 बार एक आयोजन होता है, उस आयोजन में वो जाते हैं, ऐसे धार्मिक संगठन सामान्य। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रतियोगी परीक्षाओं के उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कार्य करने वाले शोधार्थी छात्र छात्राओं ने अपना पारिश्रमिक 90 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये किए जाने की मांग को लेकर सोमवार को विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान शोध छात्र छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजियां भी की, जिसके बाद उन्होंने अपनी मांग संबंधित ज्ञापन कुल सचिव शत्रुघ्न वैश्य को सौंपा। शोधार्थियों का कहना है कि विश्वविद्यालय में जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें इनसे ही मूल्यांकन का कार्य कराया जाता है, जिसके एवज में उन्हें मात्र 90 रुपये मिलते हैं, जो आज के जमाने में कुछ भी नहीं है।
इसे बढ़ाकर 250 रुपया किया जाना चाहिए। इस मौके पर शोधार्थी अनुप्रसाद, मेनका, हेमलता, छोटेलाल, विनय सहित कई अन्य शोधार्थी मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए शोधार्थी अनुप्रसाद ने कहा, परीक्षा शुल्क बढ़ाया जाए, बढ़ाया जाए, बढ़ाया जाए, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, यूपी शुल्क बढ़ाया जाए, बढ़ाया जाए, बढ़ाया जाए, नहीं चलेगी, छात्र एकता जिंदा, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे उपस्थित है सब रिसर्च स्कॉलर्स हैं। हम लोग हमेशा एनुअल ड्यूटी का एक एग्जाम की ड्यूटी करते हैं। पिछले 2 साल से हम लोग एक मांग कर रहे हैं कि जो हम लोग ड्यूटी करते हैं उसका शुल्क जो 90 रुपया है उसको बढ़ा के 250 तक किया जाए। 2 साल से हम लोग को सिर्फ आश्वासन मिल रहा है कि ये शुल्क बढ़ाई जाएगी, मगर अभी तक इस पे कोई कार्यवाही नहीं की गई। अभी जब ड्यूटी एग्जाम आने वाला था इसके 20 दिन पहले से हम लोग यहाँ पे लगातार ज्ञापन दे रहे हैं कि इसमें अब जाके इसमें कोई कार्यवाही की जाए, पैसा बढ़ाया जाए, उसके बावजूद ये लोग इस पे कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, जिससे अब हम लोग विवश होकर हम लोग सड़कों पे उतर आए हैं। सामूहिक बहिष्कार चल रहा है ये शोधार्थियों का कि जब तक इस बार 90 से 250 नहीं होगा कोई भी रिसर्च स्कॉलर्स इस एग्जाम की ड्यूटी नहीं करेगा। साथ में एक मुद्दा और है कि यहाँ पे जो भी प्रतियोगिता एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसमें रिसर्च स्कॉलर्स की ड्यूटी नहीं लगाई जाती, जबकि प्रतियोगिता एग्जाम का जितना भी होता है उसका पैसा 300 होता है, 500 होता है या 800 होता है, इसमें बाहरी लोगों की ड्यूटी लगाई जाती है। और इसमें हम लोग की मांग है कि इसमें सबसे पहले रिसर्च स्कॉलर्स की ड्यूटी लगाई जाए, जैसे एनुअल में हम लोग पास लिस्ट पहुंचती है उसी तरह एंट्रेंस में भी लिस्ट पहुंचे और शोधार्थियों का ही ड्यूटी उसमें सबसे पहले लगाया जाए, बाकी अगर कुछ बचता है तो ये लोग अपना निर्णय ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दरअसल ये खबर नहीं, सूचना है। जिला स्तरीय तहसील समाधान दिवस 20 मार्च को सहजनवा में होगा। ये जानकारी देते हुए अपर जिला अधिकारी प्रशासन प्रभुनाथ ने बताया कि सभी जिला स्तरीय अधिकारी इसमें उपस्थित रहेंगे। स्वर्ण समाज की एकता और विकास के उद्देश्य से स्वर्ण सेवा संस्थान द्वारा 8 अप्रैल को गोरखपुर क्लब में स्वर्ण समाज सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए संस्थान के अजय शंकर साहनी ने कहा कि इस सम्मेलन में उनके समाज की गिरती सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्थिति पर गहन मंथन होगा। इस विषय पर उन्होंने कहा, आजादी के बाद से जो लगातार स्वर्ण समाज का आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक पतन हो रहा है उस पर एक व्यापक चर्चा करना चाहते हैं और आपसी एकजुटता के माध्यम से ये बताना भी चाहते हैं अब स्वर्ण समाज एकजुट होकर जो हमारी घोर उपेक्षा जो लोग कर रहे हैं उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पे हम लोग अपने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जैसे पत्रकारिता के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विधि के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, जो भी हमारे समाज के अच्छे लोग राजनीति के क्षेत्र में अच्छा योगदान दे रहे हैं उनको सम्मानित करके आपसी एकजुटता का परिचय भी दिया जाएगा। सोमवार को वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के मैदान पर क्षेत्रीय खेल कार्यालय गोरखपुर द्वारा आयोजित वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय पहलवान दिनेश सिंह ने फीता काटकर किया। मुख्य अतिथि का स्वागत क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी गोरखपुर मंडल के AK पांडे ने बुके देकर और प्रशिक्षक वॉलीबॉल रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम के मुकेश ने बैच लगाकर किया। प्रतियोगिता का शुभारंभ मैच गोरखपुर और सुल्तानपुर के बीच खेला गया। इस मौके पर अन्य अतिथि अरुणेश शाही, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जनार्दन यादव, पूर्व विधायक सुल्तानपुर सुधीर कुमार सिंह, राम शिरोमणि वर्मा सहित प्रतियोगिता में हिस्से लेने आए अन्य टीमों के प्रशिक्षक व खिलाड़ी मौजूद रहे। बताते चले कि 3 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में जिले की 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। वॉलीबॉल के उद्घाटन मैच में सुल्तानपुर ने गोरखपुर को सीधे सेटों में हरा दिया। प्रतियोगिता की विस्तृत जानकारी देते हुए खेल आयोजक क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी गोरखपुर मंडल AK पांडे ने गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बताया। वहीं इस अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य अतिथि दिनेश सिंह ने कहा, अरे
खिलाड़ी कृपया ताली बजाएं। भागिएगा मत, क्योंकि यहाँ पे अच्छा है। आपको तो चाहे यहाँ रहे चाहे वहाँ, नहीं नहीं हम वहाँ नहीं करेंगे। नहीं बस लगा दें, नहीं आ जाएंगे अपने। नहीं भैया ये वहाँ से हर चुके आशीर्वाद लो तुम लोग। अरे सुधीर भाई ये कर जाएगी, चलिए चलिए आप सामने आ रहे हो भाई, बधाई हो, बहुत बहुत खुश रहो, वाली बात की कच्ची नहीं रहे। ये बड़ा अच्छा आयोजन है, यहाँ किस तरह का यूपी सरकार से संबंधित है, कॉलेज ये करवा रहा है, स्टेडियम में करवाना था लेकिन उसके बजाय प्रिंसिपल साहब यहाँ करवा रहे हैं। यहाँ माहौल भी बहुत अच्छा है और प्लेयर्स भी हैं, बहुत ही अच्छा है। ये खेल विभाग की तरफ से खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए विभिन्न जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता होती है, उसी कड़ी में निदेशालय द्वारा जिला खेल कार्यालय, क्षेत्रीय खेल कार्यालय को राज्य आमंत्रण वॉलीबॉल प्रतियोगिता कराने की अनुमति प्रदान की है। सर कहाँ कहाँ की टीमें हिस्सा ले रही हैं? इसमें गोरखपुर वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज है, कुशीनगर है, सुल्तानपुर है, प्रतापगढ़ है, बनारस है,
गोरखपुर जिला मंडल है, सब टीमें 8 टीमें भाग ले रही है। कितने दिन चलेगी सर? 3 दिन, 21 तारीख को इसका समापन होगा। सोमवार को रेलवे क्रिकेट ग्राउंड पर चल रहे गोरखपुर क्रिकेट लीग का एक मैच डोना क्रिकेट एकेडमी और नासा केएस टैलेंट के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए डोना क्रिकेट एकेडमी ने 35 ओवरों में 7 विकेटों के नुकसान पर कुल 213 रन बनाए। डोना क्रिकेट एकेडमी की तरफ से विवेक सिंह 108 और शैलेंद्र यादव 48 रनों की धमाकेदार पारी खेली। नासा की तरफ से अंगद ने 3 ओवर में 14 रन देकर 2 विकेट लिए। 214 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी नासा केएस टैलेंट की टीम 35 ओवरों में कुल 202 रन ही बनाकर ऑल आउट हो गई। नासा केएस टैलेंट की तरफ से आदित्य शुक्ला ने 72 रनों की जुझारू पारी जरूर खेली, लेकिन अपने टीम को जीत हासिल नहीं करा सके। डोना क्रिकेट एकेडमी की तरफ से विश्व विवेक सिंह और आदित्य को 3-3 विकेट मिले। जल्दी जल्दी चलने के पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। कैंट थाना क्षेत्र के सिंघड़िया में चली गोली, 4 घायल, 3 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे, असला भी बरामद। आयुक्त सभागार में अपर मुख्य सचिव ने किया विकास कार्यों की समीक्षा, कहा तहसील समाधान दिवस, राजस्व सहित आय अन्य मामलों के शिकायतों का 31 मार्च तक करें निस्तारण। उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे होने पर उनके विकास कार्यों को एलईडी वैन के माध्यम से रखा गया जनता के बीच। जिले में पहली बार शराब की दुकानों का हुआ ई लॉटरी से आवंटन, अपर मुख्य सचिव रहे मौजूद। नवागत एसएसपी शलम माथुर ने किया कार्यभार ग्रहण, कहा लॉ एंड ऑर्डर पहली रहेगी प्राथमिकता। समय से मजदूरी न मिलने को लेकर गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के तहत ठेकेदार पर कार्य करने वाले मजदूरों ने किया विरोध प्रदर्शन। मानदेय बढ़ाए जाने और पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किए जाने की मांग को लेकर यूपी बोर्ड उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य का बहिष्कार करने वाले शिक्षकों ने सोमवार को किया भिक्षाटन। उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे होने पर भाजपाइयों ने बैठक कर वर्ष 2019 में जीत की बनाई रणनीति। पारिश्रमिक बढ़ाए जाने की मांग को लेकर गोरखपुर विश्वविद्यालय के शोधार्थी छात्र छात्राओं ने किया विरोध प्रदर्शन। जिला स्तरीय तहसील समाधान दिवस 20 को सहजनवा में सभी जिला स्तरीय अधिकारी रहेंगे मौजूद। 8 अप्रैल से होगा स्वर्ण समाज सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन। सम्मेलन में समाज के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्थिति पे होगा मंथन। उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय द्वारा राज्य आमंत्रण महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता का अंतर्राष्ट्रीय पहलवान दिनेश सिंह और अरुणेश शाही ने किया शुभारंभ। और
गोरखपुर क्रिकेट लीग में डोना क्रिकेट एकेडमी ने नासा के केएस टैलेंट को 11 रनों से हराया। इस बुलेटिन में बस इतना ही, तो देखते रहिए गोरखपुर न्यूज़। नमस्कार।